भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इन दोनों सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के दौरे पर हैं और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज है। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी मनावा है। सऊदी अरब की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुख्यतः पाकिस्तान की फौज करती आ रही है, इसी का भरपूर फायदा पाकिस्तान उठाता भी रहा है। सऊदी अरब यूएई तो तेल के साथ साथ पाकिस्तान को कर्जा भी देते रहे हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी नागरिक भी सऊदी अरब और यूएई में रोजगार पाए हैं। पर जब से पाकिस्तान चीन के इशारे पर ईरान के नजदीक जा रहा है तब से सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान की दूरी बढ़ने लगी है। यहां तक कि जो कर्जा सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को दिया था उसे समय पूर्व ही वापस मांग लिया गया है। यूएई ने तो पाकिस्तान के नागरिकों का अब नया वीजा देना भी बंद कर दिया है। आप लोगों को ज्ञात हुआ कि सऊदी अरब और यूएई से ईरान की बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। अब पाकिस्तान के लोगों को यह डर सता रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने जो इस समय इन दोनों देशों का दौरा कर रहे हैं, कहीं इनके जाने से अब सुरक्षा की जिम्मेवारी भी पाकिस्तान के बदले भारत को ही न सौंप दी जाए, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं होगा। इसी सदमे का हल तलाशती इस वीडियो का अगला भाग आइए देखते हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इन दोनों सऊदी अरब और मुत्तहिद अरब अमारात के दौरे पर हैं और ये बताया गया है कि 8 दिसंबर से वो वहां पर मौजूद है। इस दौरान उन्होंने सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया है और वहां पर खिताब भी किया है। लेकिन अगर इसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या पाकिस्तान पर इस दौरे का कुछ असर जो है वो पड़ सकता है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो? पॉजिटिव को तो हम लोग किसी भी तरीके से देख ही नहीं सकते। यूएई में तकरीबन 26 लाख से ज्यादा इंडियंस हैं जो वहां काम कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़, तो आप समझ लें कि 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इतना इंटरेस्ट है इंडिया का वहां पे। इसी तरह से 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ भी जो इनके ताल्लुकात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अगर याद हो इसराइल को जो फ्लाइट सर्विस शुरू की भारत ने कुछ अर्सा पहले, तो सऊदी अरब ने भारत को अपनी एयर स्पेस दी कि भारतीय जहाज जो है वो इसराइल जा सके। तो ये है इनके ताल्लुकात की नौियत। अब एक तरफ है मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ है MBZ और उधर MBS, इधर मोहम्मद बिन जायद MBZ जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर है यूएई की आर्म्ड फोर्सेस के। ये दोनों इस वक्त जो है इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये इन दोनों का विजन सामने आ रहा है कि इन्होंने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने तुर्की, ईरान और चाइना वगैरह के साथ ज्यादा जफियां डाली तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपना जवाब ये मामला चल रहा है। कोई अचानक मामला नहीं है और ये एक पूरी चेन ऑफ सीरीज है। मोदी साहब को आला तरीन इजाज़त देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और यूएई में आला तरीन इजाज़त देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फौज से फौज के ताल्लुकात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का। खलीज GCC पूरा का पूरा वजन डाल रहा है अपना हिंदुस्तान के पड़ले में। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है, सबसे बड़ा दुनिया में शायद, एक पहला दूसरा। उसके बाद वहाँ और मसाइल हैं, इसराइल से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, मराकश ने कबूल कर लिया है, सब कबूल कर लेंगे, सब हाँ कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम तैयार हम हैं शायद के सऊदी अरब वगैरह उधर जाने वाले। और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत सारे वहां मुकीम है जो वहां से रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, वहां मुलाजमतें करते हैं, तो अगर वहां पर ये कोई ऐसी कोई कट लगाते हैं मजीद, पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं यूएई से, सऊदी अरब से कि पाकिस्तानी मुलाजमों के खिलाफ ये इस किस्म के कोई इकदाम कर रहे हैं, तो अब ये अगर इस किस्म की कोई चीज करते हैं तो जाहिर है उसका मुआशी एक बहुत हमें सेटबैक पड़ेगा, वो तमाम लोग फिर यहाँ माइग्रेट करेंगे, हमारी रेमिटेंसेस पे असर उसका मनफी पड़ सकता है। हिंदुस्तान में ना सिर्फ है वो भी हमने देख लिया है, अब हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। इसका असर तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा।
और इससे हम जो है चश्मपोशी नहीं कर सकते और वो ये है कि रवायती तौर पर ये हमें हमारे एलाइज समझे जाते थे, मगर अब ऐसी बात नहीं है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के तालुकात में दरार पड़ने लगी है। उसकी पहली झलक तब देखने को मिली जब सऊदी अरब के विमान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएनओ में भाषण देने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी बयान दे डाला। तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने लौटते समय इमरान खान से अपना विमान वापस मंगा लिया था। फिर पाकिस्तान यह चाहता था कि ओआईसी की स्पेशल बैठक सऊदी अरेबिया बुलाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही ओआईसी का अध्यक्ष है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने 2 साल तक ओआईसी की बैठक बुलाई नहीं। इससे नाराज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने गुस्से में अपना बयान दे डाला कि सऊदी अरब के विरुद्ध वे अलग से एक गुट मुस्लिम देशों का बनाने जा रहे हैं। फिर क्या, सऊदी अरेबिया और यूएन ने मिलकर पाकिस्तान से ऑपरेशन बदला स्टार्ट कर लिया है, और उसके पहले कदम के रूप में उन लोगों ने पाकिस्तान को दिए गए सारे कर्जे वापस तो मंगा ही लिए हैं, साथ ही पाकिस्तान के लोग जो सऊदी अरब और यूएई में जाकर काम करते हैं उन लोगों को जाने पर अब धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तीसरे स्टेप के रूप में यह कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अब सुरक्षा की भी जिम्मेवारी भारत को सौंपने जा रहा है, इसी हेतु भारत के थल सेना प्रमुख वहां का दौरा भी कर रहे हैं। अभी तक सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की जिम्मेवारी पाकिस्तान के पास थी। सऊदी अरेबिया के इस ऑपरेशन बदला की गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, जैसे कि हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान चीन के कैंप में जा रहा है और ईरान के नजदीक जा रहा है, तब सऊदी अरेबिया भारत के करीब आ रहा है, और भविष्य में हो सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से सुरक्षा की जिम्मेवारी हटाकर भारत को सौंप दे। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव तथा भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रहे तनाव दोनों के लिए आज की तारीख में बहुत ही एक कारगर हथियार है, और जिसका लोहा हमारे दुश्मन भी मानते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।